जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। जो पहली क्लास है, मैं इस चैनल पे जो पहला वीडियो डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ रीजनिंग, जिसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं, हमारा पहला वीडियो जो रहेगा रीजनिंग का वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और आगे तक जितने भी रीजनिंग के टाइप्स हैं उन सभी के वीडियो, ताकि शुरू से शुरू कर रहे हैं स्टार्ट से। और जो मैथ का पहला वीडियो रहेगा वो रहेगा संख्यापत्ति से, क्योंकि पहली मैथ की जो स्टार्टिंग है वहीं से हम सीखेंगे, उसके बाद से धीरे 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 सभी पे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, आज हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की, और ज़रूर चैनल पे पूरा वीडियो देखिए। आपको मैं इजी से हार्ड तक टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कौन सा आता है नंबर सिस्टम में, उस तक लेके जाऊँगा। जो पहला वीडियो आप देख रहे हो, फर्स्ट वीडियो, 1:9:8 क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा रीजनिंग में। आपको पता है कि अनुपात समानुपात में अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका करने का तरीका अलग होता। अगर अनुपात समानुपात अगर हम मैथ पढ़ रहे होते, अगर हम मैथ की बात करें, तो इसमें ये तरीका सीधा सा होता कि नज़दीक नज़दीक वाले गुणा और दूर दूर वाले गुणा। तो उत्तर निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए सीधा 9:8/1 जो उत्तर आता वो। लेकिन ये फॉलो कहाँ होता रूल, मैथ के अनुपात समानुपात या मैथ में ये रूल फॉलो होता, लेकिन रीजनिंग में ये नहीं है। रीजनिंग में दोस्तों आपको ये पता करना है कि जो इधर समानुपात के पहले जो नियम लगा इधर, वही इधर लगना चाहिए रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ है और इधर क्या होगा, तो हमको केवल इसी बारे में जानना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1:9, तो ये क्या दोस्तों, अगर हम माने 9 यानी 1 का स्क्वायर मान सकते हैं हम, अगर हम इसको स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो हम ए को क्या मानेंगे दोस्तों, क्यूब, 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब और उससे अगली जो विषम संख्या है 3 उसका स्क्वायर हुआ है, यानी 1 का क्या हुआ दोस्तों, क्यूब और उससे अगली संख्या जो 3 है विषम संख्या उसका हुआ स्क्वायर। तो हमको ऐसा ही इधर करना है, इधर क्या हुआ दोस्तों, 2 का क्यूब और इससे अगली संख्या कौन सी दोस्तों, सम 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 16, आंसर हो जाएगा आपका बी। रीजनिंग में यही रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए तो यह अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दोस्तों, 7:14 समानुपात 14 क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा। जिस प्रकार मैंने बताया कि इधर इधर वाला फॉलो होता, अगर ये मैथ में होता तो देखो मैथ से भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है, नज़दीक नज़दीक वाले गुणा और दूर दूर वाले गुणा, ये अनुपात समानुपात का नियम है। बराबर 28, तो अब देखते हैं कि ये मैथ के नियम से तो इसका आंसर 28 आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ मैथ का नियम लेके नहीं चलना है दोस्तों। यहाँ पर हमको नियम कौन सा लेना है, रीजनिंग का। रीजनिंग में इसमें इधर क्या हो रखा दोस्तों, देखो 7 और इधर 14, मतलब क्या हो रखा है इसका मल्टीप्लाई। अगर अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7:2=14 हो रखा है इस साइड में, तो हमको समानुपात के उस साइड में भी क्या करना, उसी प्रकार से वही नियम अपना, 14:2 = 28। तो इस प्रकार से, लेकिन ये मैथ के जो नियम है अनुपात समानुपात का, उससे भी हल हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको हल कर सकते हो, लेकिन हाँ मैथ वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर रीजनिंग में नहीं लगाना है दोस्तों। तो ये है अगला क्वेश्चन अपना, 4:10 समानुपात 36 अनुपात क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों। तो पहले देखिए इसमें क्या किया हुआ है, तो दोस्तों इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर है आपको पता ही है, और उधर आगे क्या हो रखा है, 2 का स्क्वायर और उससे अगला क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2। आप देखिए ये करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8+2=10, यानी 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 2=10, इस प्रकार से आ रखा है। तो यही हमको अनुपात में उस साइड में करना है। ये क्या हुआ दोस्तों, 6 का स्क्वायर, अब क्या करना है, 6 का क्यूब प्लस 2, अगर हम 6 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 218। एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों यहाँ पर आपको मैं साथ में, कि अगर यहाँ पर 218 ऑप्शन में है तो राइट होगा, लेकिन अगर यहाँ पर साथ में अगर 218 की जगह अगर 222 होते तो भी राइट होता। क्यों, क्योंकि इसमें जिस संख्या का क्यूब किया गया है यानी 2 का क्यूब प्लस 2, तो उधर भी ये नियम हो सकता है कि 6 का क्यूब प्लस 6,
तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6 222। तो अगर यहाँ ऑप्शन में 222 होता दोस्तों तो वो भी एकदम राइट होता, लेकिन ऑप्शन में 222 नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 218। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 125 अनुपात 216 समानुपात 8 क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना है दोस्तों कि जो इधर क्या क्रम चल रहा है, आपको पता है कि 5 का क्यूब कितना होता है 125, अगला फिर 6 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना होता है आपको पता ही है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो यही फॉर्मूला उधर लगाना है, इधर कितना का क्यूब है 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, और फिर उससे अगला नंबर कौन सा है 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 27। इसमें क्या किया गया दोस्तों, केवल क्यूब को यानी 5 का क्यूब फिर 6 का क्यूब अगला नंबर का क्यूब, तो उसी प्रकार 2 का क्यूब तो उससे अगले नंबर का क्यूब, इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों तो इस ये अगला क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको समझाने के लिए देखो 12 अनुपात 36 समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क, तो 12 अनुपात 36 समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क, इसमें आपका सीधा सा दिमाग जाएगा कि 12 इंटू 3 36 तो फिर 2 इंटू 3 6, तो 6 तो दोस्तों कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, 36 64 12। तो अब इसमें क्या किया गया है आपको ये देखना है, ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के, इसमें क्या किया गया है पहले 2 का क्यूब क्यूब करके फिर उसमें 2 का स्क्वायर जोड़ा गया दोस्तों। देखो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 12। आगे भी इसी प्रकार से किया गया है 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इधर क्या किया गया दोस्तों, अब 2 का तो इसमें क्या किया गया कि 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है दोस्तों, तो 1 का क्यूब और स्क्वायर दोनों सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। अब उससे अगली संख्या 1 का हो गया, अब उससे अगली संख्या क्या है दोस्तों 2, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12, तो इसके आंसर हो जाएंगे 12। ये आते हैं नंबर सिस्टम के हार्ड वाले क्वेश्चन दोस्तों, ये इसके सबसे जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखो क्या किया गया दोस्तों, 32 अनुपात 8 अनुपात 1024। तो दोस्तों इस प्रकार भी नंबर सिस्टम के एग्जाम में कई बार आए रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये इजी होते हैं लेकिन इनका आंकड़ा बड़ा दिखता है, आंकड़ा बड़ा दिखने से ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा। इसमें देखो सीधा सा क्या किया गया दोस्तों, इसको और इसको देखिए दोनों सम है, और इसमें क्या किया हुआ क्या ट्रिक हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या किया जा सकता है। देखो दोस्तों इसमें क्या किया कि 2 की घात 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, अगर 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है, फिर 2 का क्या दिया गया है क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आए हैं, अब इस बार हमेशा जब आंकड़ा बड़ा हो और उससे अगला अंक छोटा लाना हो दोस्तों, देखो इसमें भी आंकड़ा बड़ा है उसका अगला अंक छोटा है, तो याद रखिए कि आंसर इस संख्या से छोटा होगा, और छोटा होगा तो कितना छोटा होगा वो आप देख लीजिए। अब इसमें क्या किया गया दोस्तों कि ये किसका क्यूब में आता है, आपको पता है कि ये 2 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 को अगर आप 5 बार गुणा करोगे तो 32 तक आता है, तो 1024 लाने के लिए आपको किसको गुणा करना पड़ेगा, तो आप 4 को, अब आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी ले सकते हो कि ये देखो अगर 4 का क्यूब और कोई सा भी इनमें क्यूब है क्या, नहीं, पहला ये बड़ा है दूसरा क्यूब आया है, तो आपको देखना है क्या इनमें से कोई भी क्यूब है क्या किसी का, तो नहीं दोस्तों, तो ये क्यूब है 4 का, तो 4 का क्यूब है 64, तो अब आपको रीचे करने के लिए 4 को फिर आप 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर आप 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपके 1024 आ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो आसानी से, और भी इसका अगर हम टिपिकल क्वेश्चन देखें तो चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों, ये देखिए ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन जो आते हैं इसके, ये वाले होते हैं जो हार्ड क्वेश्चन जो 0 से या 1 से शुरू होते हैं, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। तो अगर हम देखो क्या हुआ इसमें 0
अनुपात 24, समानुपात 2, अनुपात क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन आपका 0, 25, 60, 72। अब इसमें क्या हुआ है याद रखना, अगर 0 से हुआ है जीरो शुरुआत इस प्रकार के क्वेश्चन की याद रखना है, ये ए से संबंधित पक्का है। अगर हम ए का स्क्वायर करके या ए का क्यूब करके अगर उसमें एक माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से क्या ये हो सकता है, ए का क्यूब माइनस एक बराबर जीरो। ये तो फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब का ही फॉर्मूला लगाना है जीरो लाने के लिए। इसके बाद में एक से अगली संख्या अगर विषम देखें तो 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे तो 24 आ रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार इधर क्या हुआ है, 2 का क्यूब माइनस 2 तो 6 आ रहा है दोस्तों। और आगे इसी प्रकार से फिर 4 का, उससे अगली सम संख्या कौन सी है 4, तो 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 4 बराबर 60। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अब हम सभी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो आप जुड़ जाइए दोस्तों। जय हिंद।